मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने महाराष्ट्र सरकार और एनसीपी नेता नवाब मलिक पर बेहद ही सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मोहित कंबोज ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री शाहरुख खान से वसूली की फिराक में थे, वसूली की साजिश के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार जवाब दे। मोहित कंबोज ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहित ने पूछा कि अनिल देशमुख का बेटा ऋषिकेश देशमुख ललित होटल में क्यों जाता था। एसआईटी को खुलासा करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के कौन कौन से मंत्री इन्वॉल्व थे जो शाहरुख खान के लिए पैसे की तोड़ पानी करने के लिए उतरे आपस में। क्या ये ब्लैकमेलिंग का रैकेट कोई मंत्री चला रहे थे? इसके पीछे क्या महाराष्ट्र के एक मंत्री एजेंसी को भी टारगेट करना, ऑफिसर को भी टारगेट करना और वसूली भी करना, तीन एजेंडा लेके चल रहे थे? छूट गया तो हमने छुड़वाया, नहीं तो ये एजेंसी ने कार्रवाई की। क्या ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश का रची जा रही थी महाराष्ट्र में सेंट्रल एजेंसी को और अधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए? इसका जवाब महाराष्ट्र के मंत्री को देना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।